असलकुम नाजरीन कराम नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं पी टी आई बाकी जमातों से बहुत आगे है पी टी आई जवानों के जज्बे को कोई मात नहीं दे सकता आज जिस ताकत का मुजाहरा पी टी आई ने किया है जिस तरह से नौजवानों ने अपनी ताकत के साथ बग़ैर कोई मशीनरी लगाए कंटेनर्स हटाए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती रस्ते इन्होंने ब्लॉक करके सोचा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे अवाम ने कंटेनर्स पुश करके रस्ते हटाए हैं और हटाते चले जा रहे हैं इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक जलसा जारी है और जलसे में मुख्तल तकारीर हो रही हैं जबकि अगर मैं यहाँ तक पहुँचने की बात करूँ तो मोटरसाइकिल पर लोगों को लाया गया एक कौम बन के फस्ताइत के खिलाफ एक स्टैंड लिया गया पाकिस्तानी आवाम की तरफ से दूसरी तरफ जो बदी की कुवतें हैं उनके ड्रामे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया जिस तरह बम की खबर दे के ड्रामा रचाया गया वो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा ये सब लोगों को डराने के लिए था खौफ पैदा करने के लिए था कि यहां बम भी फट सकता है या ना आना किसी तरह भी जलसे में ना आना वरना पता नहीं क्या हो जाएगा सो एक तरफ छोटी हरकतें की गई हैं जलसे की इजाज़त देने के बावजूद कंटेनर्स लगाए गए लोगों को रोकने की हतील वूसा कोशिश की गई दूसरी तरफ आवाम का जज्बा और अवमी समंदर है सबसे पहले जरताज गुल के कंटेनर्स हटाने की वीडियोस नजर आई जो उनके काफिले के लोग थे सो अवाम अपनी मदद आपके तहत कंटेनर्स को हटाकर जलसा गाह पहुंची है यह रद्द अमल है वाम का कि आपने उनका कोई फैसला नहीं माना आवाम ने आपको आठ फरवरी को बता दिया था कि आपका नौ मई का ढकोसला और ड्रामा हम कबूल नहीं करेंगे आप झूठ बोल रहे हैं अब आपने आपके मुंह पे थप्पड़ रसीद किया था आपने कहा नहीं हम इसमें भी बेईमानी करेंगे हमने सतर साल से बेईमानी से मुल्क चलाया है हम अब भी बेईमानी से मुल्क चला लेंगे और आपने नौ फरवरी को वो किया कि यकीन माने नेतन याहू और मोदी मिलकर पाकिस्तान को वह नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जो 9 फरवरी को आप लोगों ने फार्म सैतालीस तैयार करके किया फिर आप कहते हैं कि आवाम का हमसे दिल का रिश्ता है दिल का रिश्ता अवाम का सिर्फ इमरान खान से है आज देखें पाकिस्तान की सड़कें आपको पता चलेगा दिल का रिश्ता जिसके साथ है अवाम उसी के साथ है आपके साथ क्या रिश्ता है मैं बताता हूं आपके साथ रिश्ता है ईंटें लटकाने का आपके साथ रिश्ता है नाखून खींचने का आपके साथ रिश्ता है करंट लगाने का आपके साथ रिश्ता है आंखें निकाल देने का तो ये आपके साथ आवाम का रिश्ता है यकीन माने जो अवाम में शूर हो आ गया है आप हैरान रह जाएंगे एक ट्वीट में पढ़ रहा था कि ये जो हमारी सर्वेलेंस करते हैं ये जो हमें मुजरमों की तरह ट्रीट करते हैं टैक्स हम देते हैं इनकी तनख्वाहें हम देते हैं हमें ये हक हासिल होना चाहिए कि हम इनकी सर्वेलेंस करें हम इनके बारे में हर चीज़ की खबर रखें तो नजन इक राम मुस्तबिल में कभी पाकिस्तान में अगर हकी जमूरीत आई तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से इनसे हिसाब लिया जाएगा बंद कमरों के फैसलों ने आज पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है कल एक खबर आ रही थी कि पाकिस्तान में सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो भी भारत में होगी अल्लाह करे ये खबर झूठी हो अल्लाह करे ये इंडिया का प्रोपोगेंडा हो लेकिन हालात यही नज़र आ रहे हैं कि पिछले दो अढ़ाई साल से हमें कहा गया कि इमरान खान ने सऊदी अरब को नाराज़ किया है यू को नाराज़ किया है चाइना को नाराज़ किया है अमरीका को नाराज़ किया था तो जैसे ही इमरान खान को निकालेंगे चीन भी पैसों की बारिश कर देगा सऊदिया भी कर देगा यू भी करेगा कतर भी करेगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया और हम क्योंकि एक भिकारी कौम है अब इसाकड डार खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 2022 में आईएमएफ हमें डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता था मतलब ये कि आईएमएफ ऑफिशियल डिफॉल्ट डिकलेर करवाना चाहता था असल में तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं हम पिछले अढ़ाई साल से डिफॉल्ट में चल रहे हैं जब से पिछले चार पाँच महीने लगे इमरान खान के जाने के बाद इन्होंने आई का प्रोग्राम रिस्टोर नहीं होने दिया अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर में हमें पैसे मिलने थे ये पाँच छः महीने पाकिस्तान को दिवालिया करवाया गया था क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं था हर तरफ की औस था अनसर्टेनिटी थी डॉलर ऊपर चला गया मार्केटें क्रैश कर गई सब कुछ तबाह हो गया हम तो दिवालिया कर चुके हैं हमने फिनांसिंग अरेंज नहीं की इस दौरान और इसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए हमारे जर मुबादला के टोटल जखायर दो से ढाई अरब डॉलर रह गए टोटल सो टोटल तबाही थी अब खुद मान रहे हैं कि हम दिवालिया होने वाले थे जब इमरान खान कहते थे हम दिवालिया होने वाले हैं तो बादशाह सलामत खड़े होकर तकरीरें किया करते थे कहाँ हैं वो जो कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है उस वक्त हो रहा था और आई भी हमें बता रहा था कि मुल्क दिवालिया हो रहा है आपने बस टेक्निकल डिफ़ाल्ट होने दिया ऑफिशियल डिफ़ाल्ट नहीं होने दिया तो ये हालत है ना आपको अरब ममालिक पैसे दे रहे हैं ना आपसे मीशत चल रही है ना मुल्क चल रहा है और आवाम देख लें उसका फैसला आज भी आपको नज़र आ रहा है आपके लगाए गए कंटेनर भी आवाम अपनी मदद आपके तहत हटा जलसे में पहुँची है नारे भी ये जरा सुन लें जलसे में क्या नारे नारे लग रहे हैं है। जी कहते हैं कि सबसे बड़ा स्टेज आज बनाया गया है पीटीआई के माजी के जलसों में इतना बड़ा स्टेज नहीं बना जितना इस जलसे के लिए स्टेज बनाया गया है क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेज पर भी बैठेंगे क्योंकि जाहिर है अब तो इतिहाद भी है फिर एक खबर यह भी आ रही है कि महमूद ख़ान जई के घर को घेरा गया है पुलिस पुलिस की जानब से उनको नहीं आने दिया गया क्योंकि खदशा यह है कि वो कोई सख्त तकरीर करेंगे मेरा नहीं ख्याल कि पी टी आई का कोई लीडर सख्त तकरीर करेगा क्योंकि अगर कोई कर देता है ऐसी तकरीर तो आई एल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मैं कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता कि कोई डील हुई है लेकिन जो लॉजिकल तज् है वो यही कहता है कि ज़ाहिर है जलसा करने, करने हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा गया होगा कि हम इदारे का नाम या जिक्र वगैरह नहीं करेंगे सियासतदानों पर बात करेंगे हालात पर बात करेंगे इससे ज़्यादा शायद कोई नाम नहीं लेगा कोई बात नहीं करेगा गो के इमरान खान जेल में बैठ के नाम ले रहे हैं लेकिन शायद जलसे में कोई नाम ना ले हाँ महमूद ख़ान अचक जई से मतलब ख़दशा है कि वो शायद कुछ सख्त गुफ्तुना कर दें इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश की गई है सो ये जलसा कामयाब हो चुका है वो कैसे आपने नौ मई के बाद ऐसा क्रैकडाउन किया कि शायद मॉडर्न वर्ल्ड में किसी ने ना देखा हो टारगेटेड था घरों में जा जा के आपने घर तोड़े दरवाजे तोड़े बच्चे देखे ना बुजुर्ग किसी का ख्याल नहीं था आपका यह ख्याल था कि इतने क्रैकडाउन के बाद ये लोग डर के बैठ जाएंगे और पंजाब के लोग अमूमी तौर पर आपकी ये राय थी मेरी ये राय नहीं है कि डरपोक और बुजदिल है लेकिन उन्होंने दिखा दिया लाहौर जिसके बारे में कहा गया था कि ये तो लस्सी पी के नाश्ता करके निहारी पाए खा के बैठ जाते हैं उन्होंने भी हार नहीं मानी उन्होंने भी साबित किया कि उनके बारे में आपकी गलत राय थी लाहौर की आवाम वो नहीं थे जो आपने बताया हुआ था सतर साल से सब ने स्टैंड लिया इस वक्त जलसा का खचा खच भरा हुआ है गो आपने हर जगह कंटेनर लगाए सारे रस्ते बंद किए पाकिस्तान की सड़कों पे आवाम का निकल आना पीटीआई के झंडों के साथ नारों के साथ गाड़ियों के साथ बसों और मोटरसाइकिलों पे यही तो जलसा है तो माहौल तो इस वक्त बन चुका है इस वक्त सिर्फ जलसा गा ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में आवाम मोबलाइज हुई है सो ये जंग आप नहीं जीत सकते जितनी मर्जी जोर लगा लें जो आपने करना है कर लें आपको बंद कमरों में यह मशुरा जिसने भी दिया था कि सर जी कोई नहीं कंटेनर लगा दिए हैं इतने बंदे नहीं पहुंचेंगे उसको तो सबसे पहले आप नौकरी से बाहर निकालें अभी भी आपको बंद कमरों में रिपोर्ट दी जाती है कि सर जी कोई नहीं हकीकी आज़ादी वाली बात कोई नहीं है चंद लोगों की उसने खान ने ब्रेन वॉश कर दिया था और चंद सर फिरे हैं हालांकि नबे फ़ीसद पाकिस्तान की अवाम हकीकी आज़ादी चाहती है आप सिर्फ सर्वे कर लें तो आपके कानों से धुआं निकल आएगा सो अवाम के आगे बांध ना बांधें मैं बार बार वीडियोज़ में बात कर चुका हूं कि एक ऑनरेबल रिट्रीट के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है पसपाई इख्तियार करें और उसके लिए आपको आवाम जो है वो गोल्डन गौल्ड, ब्रिज बना कर दे देगी सो ये जलसा एक बुनियाद बना है अवामी मोमेंट का जो इमरान ख़ान की आज़ादी के लिए मोमेंट चलाई गई है उस आज़ादी का ये आगाज़ है इसमें आगे डिमांड्स क्या क्या आती हैं अभी तो जलसा जारी है जलसे के अंदर मुख्तफ तकारीर हो रही हैं अभी अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है वो अभी दाखिल हुआ है मुख्तलफ तकारीर हो रही हैं और मिली नगमे पड़े जा रहे हैं सो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस जलसे से निकल कर क्या सामने आता है एक चीज़ तो निकल कर सामने आ चुकी है कि आवाम ने जो जुल्म था जो मजालिम थे जो पिछले अठारह माह से उनके साथ किया गया उसका जवाब जो है वो खुद निकल कर झंडों के साथ और नारों के साथ दे दिया है आगे मजीद क्या होता है इन शाला उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे तो नादिन कराम आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा